आफ्टरनून स्टूडेंट्स, फटाफट से आ जाइए भाई, सभी के सभी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी आइए। फिर आज बेटा वकैब का सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं आपका। आफ्टरनून एवरीवन, कहा भी था फिर भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही मुझे। चलो देखते हैं, करते हैं फिर इसका। यादवेंद्र, नितिन राघव, राम राम नितिन राघव, बहुत दिन बाद देखा है आपको। सोनम, यशवीर, आशिमा, नमन, आप सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों। हेलो केडी, शाबाश दोस्त। चलिए तो आज का वकैब सेक्शन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट वर्ड वी हैव इज विवेशियस। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज विवेशियस। नवनीत कौशलिया, हेलो नवनीत, भी बहुत टाइम बाद देखा है मैंने, पहले देखा था कभी आज से 8-10 दिन पहले। प्रवीण आ गया है, यशवीर, शाबाश बेटा, आप लोग जो रेगुलर ले रहे हैं, बड़े बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं आप लोग। तो विवेशियस की मैं बात कर रहा हूँ। विवेशियस एक वर्ड है हमारे पास, बड़ा ज़बरदस्त ये वर्ड है। जैसी फीलिंग आपको इस वर्ड को पढ़ने के बाद आ रही है, वैसा ही इसका मीनिंग है। विवेशियस, विवेशियस वर्ड का मीनिंग होता है लिवली, सॉरी लाइवली एंड एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, उत्साहपूर्ण, जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा हो, ऊर्जापूर्ण। और लाइवली मतलब जीवंत, जो व्यक्ति वास्तव में, ये देखो जीना अलग अलग तरीके का होता है। एक होता जीवन को काटना, एक होता है रियलिटी में जीवन को जीना। तो एक व्यक्ति जो जीवंत तरीके से जिंदगी को जीता है, या जो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, उसको बोलते हैं विवेशियस। विवेशियस का मतलब होता है जोशपूर्ण, या हम कह सकते हैं जोशीला या फुर्तीला। जोशपूर्ण, फनियस्ट नहीं हो सकता, स्ट्रोंग भी नहीं कह सकते बेटा, दोनों ही एक्टिव ठीक है। यशवीर, शाबाश बेटा, ठीक है आप, अच्छा गुड। तो बात कर रहे हैं हम विवेशियस की। सिनोनिम की जब मैं बात करूं, विवेशियस का सिनोनिम तो भाई ऑप्शन में आपको जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विवेशियस 6 से 7 बार एग्जाम में आया हुआ है। बाकी ये क्वेश्चन एनडीए लास्ट ईयर आया था, ठीक है, बाकी नेवी एयरफोर्स में आया हुआ है, ठीक है। एसएससी का तो ये वर्ड ही है, एक्टिव, एजाइल, एनर्जेटिक, एग्जूबरेंट, बड़ा जबरदस्त वर्ड है ये भाई, एग्जूबरेंट, लाइवली, प्रॉम्प्ट, राय, जेस्टी, जोंटी, ये अच्छा वर्ड है हमारे। एक डायनेमिक वर्ड आपने सुना होगा, डायनेमिक, स्प्राय, प्रॉम्प्ट, वाइब्रेंट, बिल्कुल निकिता जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फ्रीक्वेंसी वर्ड, स्पिरिटेड, हाई स्पिरिटेड वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। नमन, ठीक है, चार्ज अप, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, और बच्चों ने जवाब दिए। एक्सटेटिक, नवीन, नवनीत, एक्सटेटिक वर्ड यूज होता है एक्सट्रीमली हैप्पीनेस के लिए, बहुत ज्यादा खुश होता है तब कोई बंदा। ये थोड़ा सा खुश तो है, लेकिन ये वर्ड अलग है उससे, तो ये उसका सिनोनिम नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक नया वर्ड बताया, सॉरी यशवीर ने कहा सर वाइब्रेंट, बिल्कुल बेटा बड़ा जबरदस्त वर्ड है। यशवीर और निकिता ने ये वर्ड बताया है, वाइब्रेंट, बिल्कुल ठीक है। जील, प्रवीण ने पूछा जील, बेटा जील मीनिंग होता है, एक वर्ड आपने सुना होगा एंक्विजिटिव, नहीं सुना तो बता देता हूं, एंक्विजिटिव, ईगर, विलिंग, हिंदी में बोलेंगे जिज्ञासु, किसी चीज को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। गुड आफ्टरनून मोहित कुमार जी, तो दैट इज जील, ठीक है। जील का मतलब होता है उत्साह, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता पहली बात। तो
ठीक है, बात करते हैं अभी, और किसी ने कुछ नहीं पूछा है, चलो ठीक है। तो इसका ये सिनोनिम है सारे के सारे। ईडियम भी है कुछ, जैसे कि एक ईडियम है फुल ऑफ बीन्स, ये आया हुआ है एग्जाम। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उत्साहपूर्ण, मतलब एनर्जी से बिल्कुल भरा हुआ है, जोशीला है, जोश है उसमें बहुत ज्यादा, तो वी कैन से इट फुल ऑफ बीन्स। और हम एक कह सकते हैं एज फ्रेश एज अ डेजी, एज फ्रेश एज अ डेजी। बेटा डेजी एक फूल का नाम है, मेरे माइंड में से स्लिप हो गया, एक फूल का नाम है, एक डेजी की तरह है जो फ्रेश होती है चीज, यानी कि बिल्कुल ही एनर्जेटिक। ये दोनों ऐसे ईडियम है, दोनों आए हुए हैं एग्जाम में, और दोनों बाउंसी, बादल बिल्कुल इसका ये बाउंसी सिनोनिम हो सकता है। आप बहुत अच्छा वर्ड बता रहे हो। एक वर्ड अपबीट आया तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन सिनोनिम हो सकता है, यहां से एग्जाम में आए हुए। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, ठीक है, और फ्रेश एज ए डेजी इसका मतलब भी यही होता है, फुर्तीला है, जोशीला। यहां से एग्जाम में वाइब्रेंट वर्ड 3 से 4 बार आया है, जेस्टी वर्ड जेस्ट से बना है, ठीक है, स्प्राय नहीं आया, प्रॉम्प्ट आया है, लाइवली आया है, एग्जूबरेंट आया है, एजाइल आया है 3 से 4 बार, ये सभी इसके सिनोनिम है दोस्तों। गुड आफ्टरनून ऋषभ, ऋषभ बेटा रेगुलर क्लास लिया करो आप, थोड़ा सा लेट है वैसे। ये सारे विवेशियस के सिनोनिम है। विवेशियस वर्ड जो है बड़ा जबरदस्त वर्ड है, विवेशियस। विवेशियस मीन्स फुल, अ पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली, ठीक है, जो बिल्कुल ही मतलब एनर्जी से पूर्ण है बिल्कुल, ठीक है, उसको बोलेंगे हम विवेशियस। तो विवेशियस, जैसे फॉर एग्जाम्पल लियोनल मेसी, विवेशियस प्लेयर। लियोनल मेसी का आपने नाम सुना होगा, तो लियोनल मेसी कैसा बंदा है जी, विवेशियस बंदा है, बड़ा ही फुर्तीला, और जोशीला, एक फुटबॉलर है, आपने इसका नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं, तो ये बड़ा ही कैसा बंदा है, फुर्तीला और जोशीला बंदा है। विवेशियस का मतलब क्या होता है जी, विवेशियस, ठीक है, जोशीला या फुर्तीला, अ पर्सन हु इज एनर्जेटिक एंड लाइवली। सर ये ईडियम बताना, केडी कौन सा ईडियम, ये दोनों ईडियम है, फुल ऑफ बीन्स और एज फ्रेश एज ए डेजी, इन दोनों का मीनिंग यही होता है, अ पर्सन हु इज वेरी स्पिरिटेड और एनर्जेटिक। चलिए, तो ये आपका आज का वोकैब का फर्स्ट सेशन, जिसमें हमने काफी सारे प्रॉम्प्ट के मीनिंग, जैसे तत्पर, जो बिल्कुल फटा बहुत ज्यादा, ठीक है सर, अभी इस प्लेयर को कोरोना हो गया है, चलो ठीक है कोरोना हो गया तो फिर भी प्रॉम्प्टली, हाँ बिल्कुल, तत्परतापूर्ण, एक्साइटेड, नहीं एक्साइटेड अलग वर्ड हो जाएगा भवनीश, अभी से एक रोनाल्डो क्या कैसी बातें कर, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिनोनिम है विवेशियस के लिए, विवेशियस वर्ड जोशीला या फुर्तीला, विवेशियस, विवेशियस वर्ड। वाइवा, वाइवा देते समय हमें कैसा होना चाहिए, जोशीला या फुर्तीला होना चाहिए, विवेशियस, जोशीला या फुर्तीला, फुल ऑफ एनर्जी, अ पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी, देन वी कैन कॉल हिम विवेशियस, विवेशियस मतलब जोशीला या फुर्तीला। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वीडियो को पता ही आपको, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, क्योंकि हमारी वकैब इंप्रूव हो रही है इससे डेली, हम नए वर्ड सीख रहे हैं, और प्लस हम प्रीवियस ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अब भी अगर फिर कमी लगती है आपको, तो इसका मतलब यू नीड अ डॉक्टर। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड भी है, आप एग्री करेंगे इस वर्ड से, आपने सुना भी होगा ये वर्ड कभी ना कभी, कंपेंसेट। विराट कोहली इज वेरी विवेशियस प्लेयर, बिल्कुल नवनीत, आई एम एग्री विद यू, आई एम क्वाइट एग्री विद यू, बिल्कुल दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नेक्स्ट वर्ड, वी हैव कंपेंसेट। बताइए बेटा, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, सही रहता, बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बात है बादल। क्लेम, बिल्कुल निकिता जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो कंपेंसेट, आपने वर्ड सुना होगा ना कंपनसेशन, ठीक है, हर जाना या मुआवजा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कंपनसेट का मतलब होता है एडजस्ट फॉर,
adjust for, compensate, compensate means adjust for or make up for, हिंदी में इसको बोलेंगे मुआवजा देना, हर्जाना भुगतना, शुद्ध हिंदी में क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। आपने किसी का कोई लॉस कर दिया, रेवेन्यू वी कैन से दैट, यस यस मुआवजा सर, बिल्कुल बिल्कुल, किसी का लॉस कर दिया आपने, तो उसके बदले में जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं बाइक से, जा रहे हैं गाड़ी से, जा रहे हैं, आपने किसी आगे चल रही गाड़ी को पीछे से ठोक दिया वहां पे, ठीक है, तो फिर आपको वो कहेगा कि भाई मैं मेरा वहां पे आप कंपनसेशन दीजिए, तो वो जो आप पे करेंगे दैट इज, ठीक है, बिल्कुल। तो कंपनसेट के लिए वर्ड वी कैन यूज रेम्यूनरेट, इट्स अ वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कंपनसेशन एक नाउन हो जाएगा, ठीक है, रेम्यूनरेट, एक्सपिएट, अटोन, कुछ फ्रेज यूज कर सकते हैं हम लाइक पे ऑफ, क्विज प्रो क्वो, क्विज प्रो क्वो, ये एग्जाम में 2019 का क्वेश्चन है एसएससी का, सिनोनिम के रूप में आते हैं, लेटिन वर्ड है बेटा ये क्विड प्रो क्वो, इट मींस टू कंपनसेट फॉर समथिंग, पे ऑफ एंड मेक अप फॉर, मेक अप फॉर, बिल्कुल ऋषभ दोस्त सही है, अटोनमेंट के डी, अटोनमेंट नाउन हो जाए, नाउन हो जाएगा, हमें वर्ब चाहिए, ठीक है ना। क्लेम लिख लो एक, और एक इंडेमनिफाई, इंडेमनिफाई इट्स अ न्यू वर्ड रिलेटेड टू कंपनसेट, और ये आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा, इंडेमनिफाई टू कंपनसेट फॉर समथिंग, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पुराना हिसाब किताब बराबर करना, पे ऑफ का मतलब होता है मुआवजा देना, क्विड प्रो को इट मींस टू कंपनसेट, जैसे को तैसा जो सुना है ना आपने, ये वो होता है, मेकअप फॉर का मतलब होता है टू कंपनसेट फॉर समथिंग, ठीक है जी। फाइन बताना सर, फाइन बेटा फाइन इसी सेंस में यूज होता है, वो भी हर जाना ही होता है, ठीक है, वी कैन यूज फाइन एज अ वर्ब, एज अ वर्ब हम फाइन का यूज करते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा वर्ड लेके आया है भवनीश, ठीक है दोस्तों। चलिए इंडेमनिफाई एक नया वर्ड, इसको याद रखिए, यहां से एग्जाम में मेकअप फॉर, क्विड प्रो क्वो, पे ऑफ, एक्सपिएट और अटोन, इन दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग है, एक्सपिएट और अटोन का मतलब होता है टू रिग्रेट, किसी मतलब पछतावा करना या पश्चाताप करना, इनका मीनिंग होता है वैसे, लेकिन इसके सिनोनिम पाइन मतलब तड़पना होता है ईशांत, लेकिन पाइन का एक मीनिंग होता है, एक पेड़ का भी नाम है, देवदार के वृक्ष को पाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगला वर्ड था हमारा कंपनसेट, कंपनसेट कंपनसेशन कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा, रेम्यूनरेट, एक्सपिएट और अटोन, दोनों ये दोनों के दोनों आ चुके हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग होता है, थोड़ा सा मैं बता चुका हूं, क्लेम, इंडेमनिफाई, मेकअप फॉर, क्विड प्रो क्वो एंड पे ऑफ, ये सभी इसके सिनोनिम है कंपनसेट के, स्पेशली अभी इस वर्ड के लिए आप इन दो वर्ड्स को जरूर ध्यान रखें, क्विड प्रो क्वो और इंडेमनिफाई। You must compensate for the wrong doings of yours. आपको अपनी गलतियों के लिए हर जाना तो भुगतना पड़ेगा, जैसे स्पेशली अब फिलहाल अगर कोई बच्चा टाइम पास कर रहा है घर, तो वो क्या कर रहा है, बहुत बड़ी एक इज मेकिंग और ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तो उसका उसको क्या कंपनसेशन आगे भुगतना पड़ेगा, ठीक है, किसी एग्जाम में एक दो नंबर से रह के। मेकअप फॉर मीनिंग, बेटा मेकअप फॉर का मतलब होता है, मेकअप फॉर ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है, मेकअप फॉर का मतलब होता है टू कंपनसेट, बिल्कुल बादल करवाए हुए हैं ये वर्ड, कुछ इनमें से ज्यादातर करवाए हुए हैं, कुछ मैं नई चीजें दे रहा हूं यहां, ठीक है, कंपनसेट।
चलिए दोस्तों आगे चले, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, किसी बच्चे को किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते, तो आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बोलकर मत डराओ केडी, आपको तो वैसे भी नहीं डरा सकते हम। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन अच्छा है नहीं ये, ट्राइट, द वर्ड वी हैव इज ट्राइट, ट्राइट, ठीक है, ट्राइट ये वर्ड है हमारे पास, ट्राइट का मतलब होता है रिपीटेड टू ओफनली, एक ऐसी चीज, एक ऐसा या शब्द, एक ऐसा वर्ड भी हो सकता है, कोई ऐसी वस्तु जिसका हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, बादल सिली नहीं कह सकते, वेल, वी ए आई एल, वेल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, फिल्दी वाइल, नहीं 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 नहीं, ये फिल्दी और वाइल के डी, नहीं नहीं नहीं, ये बेटा आप, फिल्दी और वाइल मीनिंग होता है इट्स समथिंग वेरी बैड, कोई चीज बहुत बुरी होती है, उसके लिए हम फिल्दी और वाइल का यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा अलग वर्ड है उससे। यशवीर एंसियंट, बेटा वी कैन से एंसियंट, ऋषभ ठीक है, ऑब्सोलीट, ईशान सैनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घिसा बेटा हाँ ये के डी, जवाब आपका हिंदी में ये सही है, कॉमन एंटीक वी कैन से, ईशांत एंटीक नहीं कह सकते दोस्त, एंटीक नहीं कह सकते। सर टेलीग्राम पे क्या शेयर करते हो दोस्त, टेलीग्राम पे बाकी कुछ दिनों से एक द हिंदू की वकैत तो नहीं हो रही, वो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, आज से मैं याद रखूंगा द हिंदू की वकैत शेयर करना टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे आज से याद रखिएगा, प्रैक्टिस सीट्स हैं टॉपिक वाइज जो आपके टॉपिक होते जा रहे हैं उन सबके, और उनके आंसर्स हैं वहां पे ही, एक एक टॉपिक के 500 से 600 क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, और जो पहले आ चुके हैं ठीक है वो सारे के सारे, तो बहुत से बच्चों ने इसके जवाब दिए, पहले उनको क्लियर कर लेते हैं। राइट, हिंदी में बोलेंगे घिसा पिटा, बैनल, बैनल भी आया है एग्जाम में बहुत बार, ओल्ड आ सकता है इसका सिनोनिम, वी कैन यूज प्रिमिटिव, ठीक है, हैकनेड, शॉप वॉन, ये बच्चों ने बताए हुए हैं जवाब, थ्रेड ब्योर, वी कैन यूज ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का इस वर्ड को मैं काफी बार करवा चुका हूं, दैट वी विच इज नो लॉन्गर इन यूज, एंटीक मीनिंग ओल्ड और एशेंट, एंसेंट वो ठीक है बेटा अभिषेक, एंटीक का मतलब एक ऐसी चीज होती है जो पुरानी तो है लेकिन बहुत ज्यादा स्पेशल है वो आपके लिए, जो चीज ट्राइट होगी वो स्पेशल नहीं होगी, रिमेंबर दैट। और भी लिख सकते हैं जैसे कि बोरिंग, डल और टेडियस, ये भी इसके सिनोनिम लिख सकते हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग चली जाएगी, ये थकाऊ और उबाऊ के सेंस में आ जाएगा, इसके सिनोनिम ये हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रिमिटिव, वैसे प्रिमिटिव को बोल देते हैं गांव का, जैसे ग्रामीण, बैंगल आया है बहुत बार, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्सोलीट आया है यहाँ से, ट्राइट, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट द स्पीचेस ऑफ पॉलिटिशियंस आर क्वाइट राइट नाउ अ डेज, आजकल जो पॉलिटिशियंस की स्पीचेस, स्पीच जो भाषण होते हैं वो काफी घिसे पिटे होते हैं, वही पुरानी बातें, हाँ बिल्कुल, गवार, प्रिमिटिव को गवार कह सकते हैं, ग्रामीण, गांव का, ऑब्सोलीट तो सर नॉट यूज, हाँ हाँ ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब बहुत पुराना, भवनिश, ये वर्ड मैंने याद करवा दिया आपको एक तरीके से, ठीक है ना, अब इसका सिनोनिम हो सकता है। चलिए काफी बच्चे जो मुझसे इस टाइप के सवाल जवाब कर रहे हैं, इसका मतलब वो सीखते हैं, और सीखना बहुत बड़ी चीज है अपने आप में बेटा, वोकैबुलरी को इस तरीके से आप वोकैबुलरी पढ़ते हो तो ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और मैं बड़ा खुश होता हूँ यार इस चीज से, आपको भी पता है ये चीजें ना कभी ऐसे पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, और ना कभी इस टाइप की चीजें होती है। चलिए
तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, अगले शब्द की तरफ चलते हैं हम अपने, दैट इज कैंडिड. कैंडिड कैंडिड का मीनिंग होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट. एक बहुत ही इनफॉर्मल वे में एक व्यक्ति, हिंदी में कहेंगे इसको स्पष्टवादी, मुंहफट, हाजिर जवाब. एक व्यक्ति जिसको जो मुंह में आए वो ही बात बोल दे, और फटाफट से कोई क्वेश्चन दिया तो एक सेकंड में उसका आंसर दे दे, मतलब बिल्कुल ही तैयार हो, बिल्कुल अंकित यादव ट्रुथ. थोड़ा सा अलग वर्ड है दोस्तों. चलिए चलिए चलिए, निकिता ने तो सारे ही सिनोनिम करवा दिए. ये स्टूडेंट हमारा पुराना है भाई, इस बच्चे को याद रहती है चीजें. शाबाश बेटा. तो कैंडिड का जैसे कि वी कैन यूज ऑनेस्ट. कैंडिड जब ऑप्शन क्वेश्चन में आता है एज ए क्वेश्चन एग्जाम में, तो ऑप्शन में आपको फ्रैंक मिलता है. वी कैन यूज ब्लंट. आउटस्पोकन आया है एक दो बार एग्जाम में, आउटस्पोकन. फोरथ्राइट. वी कैन यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड. स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं हम. बिल्कुल बिल्कुल. कपिल राव दोस्त, कपिल लाइव तो आपको शायद मैंने पहली या दूसरी बार ही देखा है. आउटस्पोकन. बिल्कुल बिल्कुल. अनइक्विवोकल कह सकते हैं. थोड़ी सी टर्म डिफरेंस हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी इससे. ठीक है, ये इसके सिनोनिम है. आप किसी का भी नाम लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से सुमित इज अ कैंडिड पर्सन. सुमित जो है वो कैसा है भाई, कैंडिड बंदा है. तो अभी आप वोकैबुलरी के लिए तैयार हो जाएं. प्रैक्टिस के लिए. सर क्या आप मेरे कमेंट देख पा रहे हैं? जी प्रवीण, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ. फ्रैंक, ओपन, ऑनेस्ट, सिंसियर, ब्लंट, ये सारे सही हैं. अभिषेक यादव स्ट्रेट फॉरवर्ड सही है. यशवीर, यशवीर क्लास में मजे कम लो यार, थोड़े से पढ़ाई ज्यादा. आपसे बड़ी आशाएं हैं यार, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए. आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो प्रैक्टिस है वो हम स्टार्ट करते हैं अब. सर को दिखता है. बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस करो. हाँ जी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं. चलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करवा रहा हूँ. अरे प्रवीण ये सभी यार ऐसे, आप किसी का नाम नहीं लेंगे कमेंट पे आज के बाद, ध्यान रखिएगा. कोई कुछ कह रहा है तो उसको मैं अपने आप जवाब दे दूंगा. यार बच्चे हैं सभी, अपने ही हैं यार, दोस्त हैं सभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. चलिए तो आप रेडी हैं? रेडी है तो डन कीजिए फटाफट से. देखते हैं आज कौन बाजी मारता है. और आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ गए. एक बार ये बता दीजिए आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा. फिर मैं इसका साइज देख लेता हूं. एक बार बता दीजिए. अच्छा जवाब आने लग गए. चलिए चलिए. सारे क्लास लिए कपिल? हाँ हाँ मुझे ये तो पता है कि आपने क्लास सारे लिए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं. यशवीर ने कहा है सर सेवंथ का ए आएगा. चलिए देखते हैं सेवंथ का बी आएगा. अरे यार ये जवाब बड़े गलत आ रहे हैं यार आपके. एक बार देख लेता हूँ, मुझे ये थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है. बेटा फटाफट से एक बार जवाब देख लीजिए. आप सभी लिख लीजिए क्योंकि मैं ऐसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ. अभित कुमार सेवंथ का डी. चलिए अभित देखते हैं.
चलिए भाई काफी जवाब आए हैं बच्चों के, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, एक बार मुझे बाद में बता देना कितने सही कितने गलत हुए, ऐसे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा जितनी स्पीड से आपके आ रहे हैं। एडी ने जवाब दिया 8 का सी, इस बच्चे का देख लेते हैं सर। चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, आप जीत चुके हैं, मेरी बहुत सी दुआएं, पर 500 रुपये सही नहीं रहेंगे। सेवंथ क्वेश्चन, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, एक व्यक्ति जो ये विश्वास रखता हो कि भगवान बहुत सारे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉलीथीस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ का आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी। पॉलीग्लॉट जो, वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज, बिल्कुल केडी आपके 500 रुपये देंगे आपको बताया था मैंने कैश मिलेंगे वो आपको, ठीक है। तो इसका आएगा पॉलीथीस्ट, पॉलीगैमी होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन टू वाइफ्स एट ए टाइम, एक समय पर दो से ज्यादा पत्नियों का होना पॉलीगैमी होता है, पॉलीगन तो आपको पता ही है। पॉलीग्लॉट को बोलते हैं बहुभाषी, वन हु कैन स्पीक मोर देन टू लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु लेंड्स मनी एट ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा, गुड आफ्टरनून वर्षा जी, आप भी काफी दिन बाद आए हैं। यशवीर ने कहा सर 12th का ये, चलिए चलिए दोस्तों मैं ये कमेंट थोड़े से कम ध्यान दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, पहले उनको देखिए आप एक बार, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, आप सबके इनके आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, जो बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार देता है उसको यूजर बोलते हैं। 8th का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। क्या कह रहे हो, 12th के ऑप्शन नहीं दिख रहे, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, हाँ वो नीचे के दो नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं इसको मैं करता हूँ नीचे ऊपर, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा क्वेश्चन सॉरी जवाब जल्दी दीजिए और वीडियो को लाइक करो, जल्दी लाइक और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलो अब दिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अब दिखेंगे आपको। चलिए सेकंड का यूजर आ जाएगा, पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, जिसमें एक ऐसा पद जिसमें काम कम हो, काम छोटा मोटा हो या तो सॉरी थोड़ा हो लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा हो, तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे सिनेक्योर, बड़ा जबरदस्त वर्ड है ये। और सिनेक्योर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये आया ना हो, ऑप्शन नंबर 3। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, SSC ने 6-7 बार पूछा है ये, ठीक है। फ्रीलांसर होता है एक पर्सन हु हैव फ्रीडम ऑफ वर्क, जिसको काम करने की आजादी हो उसको फ्रीलांसर बोलेंगे, ठीक है जी। और एक स्नेक वे नोन है ये, इसका थोड़ा ध्यान रखना, स्नेक वा नोन, अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड लिखवाया था कंपनसेट में मैंने, ठीक है उस जैसा ही वर्ड है ये, लेटिन वर्ड होते हैं और वो भी और ये भी एज ए सिनोनिम पूछा गया है एग्जाम में। स्नेक वा नोन का मतलब होता है An important condition, अनिवार्य शर्त के नाम से जाना जाता है, necessary condition अनिवार्य शर्त के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए दे दिए सारे के सारे, तो एक बार देख लेते हैं। 9th का आंसर आपका 3 आएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 10th यानी कि जिसपे 0 लिखा है, पर्सन स्पेशली अ यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज, जिसकी एबिलिटीज एक्सेप्शनल होती हैं तो उसको प्रोडिगी बोलते हैं। यो यानी कि 10th का आपका ऑप्शन नंबर 2 है आंसर। या आगे जो 1 है, इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, एक व्यक्ति जो थके ना उसको इनडिफेरिगेबल बोलते हैं, इनडिफेरिगेबल ऑप्शन नंबर 3। ये 4 से 5 बार एग्जाम में देखा है मैंने। और क्वेश्चन नंबर 2nd इसमें यानी कि 12 जो है, अ न्यू वर्ड कॉइन्ड बाय एन ऑथर के द्वारा जो नया वर्ड बना उसको नियोलॉजिज्म बोलते हैं, नंबर 3 ही है ये भी नियोलॉजिज्म, बिल्कुल। इंसेप्शन तो मतलब यूनिक होता है, मतलब डिस्कवरी होती है, ठीक है। सिनेक्योर आपने SK में एक बार बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताया तो सर याद, चलो चलो बिल्कुल, एग्जाम्पल हमेशा नहीं होंगे क्योंकि यहाँ हर टाइप के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। चलिए अंकित, अरे ये नवनीत कैसे क्वेश्चन है ये
अच्छा बेटा एक बार बताइए जरा, इन तीन और तीन छह क्वेश्चन में से किसके कितने सही और कितने गलत हैं। मैं इतने नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं आपके सामने बेटा, हर लेवल के हर टाइप के मिक्सअप क्वेश्चन है आपके सामने, आप इनके जवाब दीजिए और देखिए किसको कितना आता है, पहले किसने कितना सीखा हुआ है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है इसको लाइक और शेयर करो। चलिए नितिन के छह में से छह सही है, नितिन राघव के सॉरी दो नितिन है हमारे पास, एक नितिन कुमार जो हमारा है उसको छह में से पांच, बादल के भी छह में से पांच, यादवेंद्र के छह में से पांच, चार सही है भवनीश के, निकिता के छह में से पांच, यशवीर के छह में से पांच, ईशांत के सारे सही हैं, गुड एक रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, आज पहली बार केडी के छह सही हैं। चलो नितिन राघव के छह, अब बिल्कुल नितिन मैंने आपका नाम लिया है ऊपर यार दोस्त, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। नवनीत के चार सही हैं, कोई बात नहीं नवनीत, आई नो प्रवीण मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, एक गलत हो गया आपका, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, होप के आपको ठीक दिख रहा होगा बेटा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। ऐसे तुम यार ये बातें रोज बतानी पड़ती है मुझे, बड़ा तुम्हें पता है कि दिख नहीं रहे क्वेश्चन। चलिए आप जरा जवाब दीजिए इनके एक बार ना, मैं एक बार मोबाइल में देख लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है, आपको पता है जितने ज़्यादा बच्चे दिखते हैं मुझे उतना ही मन करता है बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने को आप लोगों को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक और लुक अपॉन ईच अदर, जो ऐसे राष्ट्र होते हैं जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम आप लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं और ये मेंस के क्वेश्चन है, 2017 सीपीओ मेंस के क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थर्ड, 35 का ऑप्शन नंबर थर्ड, 35 का ऑप्शन थर्ड दिख रहा है ना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें एक ये ऑप्शन आया है रेट्रोस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर फोर, इसका ध्यान रखना है रेट्रोस्पेक्शन से, रेट्रोस्पेक्ट मैंने वर्ड लिखवाया था म्यूज का जब मैं करवा रहा था गहन अध्ययन करना, पेंसिल में लिखवाया हुआ, तो रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब कोई व्यक्ति जो भूतकाल की चीजों के बारे में सोचता हो, रेट्रोस्पेक्टिवली ये उसमें यूज होता है। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए जो लगातार आप मेहनत करते हो, बिल्कुल ये आप पर ही डिपेंड है, जो बच्चे रोज लाइव मेरी क्लास लेते हैं ये उन पर डिपेंड है, वो ये कर रहे हैं, तो ये क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन आंसर होगा इसका 36 का फोर, परसीवरेंस। परसीवरेंस में सिनोनिम में भी लिखवाता हूं, परसीवर से ये वर्ड बना है, ठीक है ना, परसीवर एक वर्ब है, ये उसका नाउन है, परसीवरेंस बोलते हैं अड़िग एक जगह पे रहना, पेशेंस एंथुसियाज्म का मतलब उत्साह होता है, पेशेंस का मतलब धैर्य होता है, शांति और विगोर का मतलब ऊर्जा से होता है, ठीक है जी। तो 36 का आपका आंसर, सॉरी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कमेंट, मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ आंसर, आपने कर ही लिए होंगे, 36 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। 37 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, स्टोरी ऑफ वन्स ओन लाइफ, एक व्यक्ति की खुद की जो स्टोरी होती है अपनी लाइफ की, उसको स्टोरी ऑफ वन्स ओन लाइफ, खुद की लाइफ की स्टोरी, बायोग्राफी होती है, इसका आंसर बायोग्राफी नहीं है, तो अब आपका आंसर होगा ऑटोबायोग्राफी, 37 का ऑप्शन नंबर वन। चलिए दोस्तों, हाँ जी नितिन, प्रवीण, यशवीर, नितिन, नवनीत, 37 का ए बिल्कुल सही जवाब है आप सबका। 37 में कुछ और चीजें बता देता हूं, कार्टोग्राफी क्या होती है दोस्तों, कार्टोग्राफी होती है स्टडी ऑफ मैप्स, मैप की जो स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। कैलीग्राफी होती है स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग्स, लेखन जो अध्ययन होता है लेखन का, उसको कैलीग्राफी, इनको लिख लो अलग से, बाद में आएंगे ये क्वेश्चन। बाइब्लियोग्राफी स्टडी ऑफ मतलब इट्स अ वर्ड रिलेटेड टू बुक्स, पुस्तकों से संबंधित है ये। नेक्स्ट है 38, पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली थिंक दैट ही इज सिक, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ एनडीए, सीडीएस, एफकैट और
एसएससी में आया, नेवी एयरफोर्स में नहीं आया आज तक ये। एक व्यक्ति जो हमेशा ये सोचे कि वो बीमार है तो उसको उसको बोलते हैं हाइपोकोंड्रियक, बोलते हैं इसको, है ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा, हाइपोकोंड्रियक ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है दोस्तों। स्टडी ऑफ बुक्स बोलते हैं बिल्कुल यशवीर आप सही है, 37 का आपका आंसर आएगा, सॉरी 38 का वन। क्वेश्चन नंबर 39 चलिए दोस्तों 39 पे चलते हैं। 39 का जवाब अब तक नितिन ने दिया है सर बी आएगा, और एक निकिता ने कहा था सर बी आएगा, नवनीत कह रहा है सी आएगा, तो 39 को ही खत्म कर लेते हैं एक बार हम। वन ऑफ द टाइम टेस्टेड टेस्टेड वेज ऑफ रिमेंबरिंग ए सीरीज ऑफ आइटम्स, आइटम्स की सीरीज नहीं सीरीज है कोई, मतलब कोई घटना नहीं है आपकी बार, घटना के लिए तो सोवेनियर वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल बादल, मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे रहा हूँ यार, बी आएगा चलो। तो इसका आंसर बिल्कुल ही गलत है आपका, इसका आंसर आएगा इनजेन्युटी, सॉरी इनजेन्युटी नहीं नेमोनिक आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड नेमोनिक आएगा। स्कीमाइजिंग नहीं होगा, रिकलेक्टिंग भी नहीं होगा, इंजेन्युइटी तो वर्ड इंजीनियस से रिलेटेड है, कुशाग्र बुद्धि से, ये नहीं आएगा आपका आंसर, इसका आंसर नेमोनिक आएगा। याद रखिएगा जो टाइम टेस्टेड तरीके होते हैं उनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है आइटम्स की सीरीज को याद रखने का, दैट इज कॉल्ड नेमोनिक। इसको थोड़ा डिटेल में भी बता सकता हूं मैं, बट इतना टाइम कम है हमारे पास, सॉरी। तो इसका आंसर आएगा सी, 39 का सी। एक बार जरा बताइए कि पांच में से किसके कितने सही हैं, जरा बताइए। मेरा सही है नवनीत, डन बेटा, गुड शाबाश। ऐसे ही आप डेली क्लास लिया करो, कभी कभी आते हो। अच्छा ये नवनीत कौशलिया है कौन, पहले तो एक बार बताइए ये नवनीत, नवनीत मेरे पास और था एक बार नवनीत, तो देखते हैं कोरियोग्राफी क्या रहता है सर। यार ये कोरियोग्राफी आई थिंक, एक तो स्पेलिंग गलत है सर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो भवनीश कोरियोग्राफी आई थिंक स्टडी ऑफ डांस से रिलेटेड है ये वर्ड कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफर आपने सुना होगा यार, फिल्मों में यूज होता है आजकल केडी। अच्छा बच्चों ने बताया मैं नितिन के चार सही हैं, यशवीर के तीन सही हैं, नवनीत के तीन सही हैं, बादल के तीन सही हैं। तीन का आंकड़ा कैसे, तीन से ज़्यादा नहीं चले आप, थ्री आउट ऑफ फाइव, चलिए तीन सही है। ईशांत सबसे ऊपर है फिलहाल, तीन सही है, दो करेनी गुड गुड। अंकित ने बताया था मेरे बारे में, चलिए नवनीत दोस्त तो आप वो नहीं है जिसके बारे में सोच। नितिन के चार सही हैं डांस, यशवीर क्या चल रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट वो क्वेश्चन है हमारे पास ये, आप इनके जवाब दीजिए जरा फटाफट। बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। नहीं नहीं आपको तो मैं भवनीश जानता नहीं, मैंने भवनीश नाम ही पहली बार सुना है। अरे भवनीश जो बच्चा मेरे पास पिटा होता है ना उसको मैं कभी नहीं भूलता, और स्पेशली पिटने के बाद जो थोड़ा बहुत रह गया हो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए भवनीश ने जवाब दिया सर 40 का आएगा डी, चलिए देखते हैं सर जी मैंने किडी, चलिए इस बारे में बात बाद में करेंगे। और हमारे पास सुमित नहीं आया, सुमित नहीं इस क्लास में मोस्टली वो होता है। यादवेंद्र है 40 का डी, नितिन ने कहा सर 40 का डी। केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आर, इसने कहा है कि भाई आजकल जो वाइल्ड लाइफ है, जो जीव जंतु जो जंगली जानवर है उनको किस चीज़ की ज़रूरत है इनमें से, तो इनको बचाने के लिए दोस्तों सुन तुम्हें सबको पता है ये एंचेंटमेंट एम्बैंकमेंट और मैनेजमेंट ये तो रिलेटेड ही नहीं, संरक्षण को कंजर्वेशन बोलते हैं। तो 40 का आंसर 4 आएगा, बिल्कुल आप सभी का जवाब सही है, 40 का जो आंसर है वो 4 आएगा। तो कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए दोस्तों, 41 का आंसर बताइए। एनीथिंग रिटन इन द लेटर आफ्टर साइंड बाई, ये एक ही बार एसएससी का क्वेश्चन है ये, अब तक और किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है। कोई ऐसी चीज जो किसी लेटर को साइन करने के बाद उसमें लिखी गई हो, दैट इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड पोस्ट स्क्रिप्ट।
ठीक है, प्रीस्क्रिप्ट उससे पहले होता है 41 में, पोस्टस्क्रिप्ट ऑप्शन नंबर थर्ड है आई थिंक, 42 एंड 43। चलिए बादल ने जवाब दिया है सर 40 का डी, 50 का डी। ठीक ठीक, बादल ठीक ही होंगे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मॉनसून दिस ईयर। अच्छा ये क्वेश्चन ग्रामर का आ गया है। चलिए तो 42 का आंसर वी आर एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट नहीं करते कभी भी सीजन को, प्रेडिक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, 42 का 2 आएगा, किसी बच्चे ने दिया है 2 का 4, बदल गलत है भाई, 42 का प्रेडिक्टिंग आएगा दोस्त यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, 42 का डी, सी आएगा सर, सी किसका, कोरिजेंडम। क्या होता है सर कोरिजेंडम? इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू प्योरिटी। पीएस एक वर्ड लिखवाया था कुछ दिन पहले मैंने, उससे रिलेटेड वर्ड है कोरिजेंडम। किसी कोई चीज पवित्र है, इस चीज का जो क्या बोलते हैं उसको, एविडेंस, कोई सबूत जो होता है, दैट इज कॉल्ड कोरिजेंडम, उसको कोरिजेंडम बोलते हैं, शुद्धि पत्र बोलते हैं हिंदी में कोरिजेंडम को। ठीक है, चलिए और मैन्युस्क्रिप्ट तो तुम्हें पता ही है। चलिए 42 क्वेश्चन है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मॉनसून, ये हो गया। 43, रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अकॉर्डिंग अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज का, सेक्रेड होली, बिल्कुल बिल्कुल, ईशांत और केडी दोनों सही है, तो इसका आंसर आएगा लायबल। ये तो बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर 43 का। घबराया मत करो, शब्दों से कुछ वर्ड तोड़ लिया करो। पोस्ट डिक्शन बेटा ये बनाया हुआ है, ऐसा कोई ये वर्ड नहीं है, ठीक है, ऐसा वर्ड नहीं है, ये बनाया हुआ है। चलिए डी, ठीक है डी, ये इलेजिटिमेट जो वर्ड है, ये इलीगल वर्ड से रिलेटेड है, इलिसिट आपने वर्ड सुना होगा। 43 का डी सही है। इन चारों में से बताइए क्या परफॉर्मेंस रही है आपकी। 43 का डी सही है दोस्तों। सर 43 के ऑप्शन नहीं दिख रहे, सॉरी। अब देख लीजिए, नितिन राघव कहाँ थे, नमन भाई क्या बात है, आई थिंक पढ़ने में बिजी है, जवाब नहीं आते तेरे। यशवीर धनखड़, चलो चार में से दो सही है, भवनीश के 3 सही है अब की बार, नितिन और भवनीश के, शाबाश नितिन दोस्त। बादल का 1 गलत है, निकिता का 1 गलत है, चलेगा काम, कोई बात नहीं, इतने में से गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। एक बार क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार सेम क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर आप पिटाई चाहते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफ नोज, राइनोलॉजिस्ट, नासिका रोग विशेषज्ञ, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ रहा हूं, बिल्कुल नमन बेटा पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नितिन राघव के 4 में से 3, कोई बात नहीं, नितिन कुमार के भी इतने ही है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 वी हैव, ये क्वेश्चन है 2016 के सीजीएल प्री के। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड, एक व्यक्ति जो मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ाई करता है, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ कहते हैं उसे, अरे दिमाग का डॉक्टर सिंपल वे में, जीनों कैसे बेटा ईशांत, आई डोंट नो ये आपने क्या लिखा, मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। राइनोलॉजिस्ट इसका आंसर होता है, 2016 एसएससी ने इसको पूछा था 2016 के पेपर में, 16 या 15 में से किसी का होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये आया हुआ है एसएससी में भी और भी पेपर में, और इसका आंसर राइनोलॉजिस्ट था। ठीक है, बाकी साइंटिफिक टर्म भी यही है, मैंने और कुछ नहीं पढ़ा इसके। यशवीर, के डी, भवनीश और नवनीत, इन्होंने कहा है सर 5th का बी आएगा। साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल आपका सही जवाब है, न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो नर्व डिजीज का होता है, सॉरी हाँ इथनोलॉजिस्ट जो होता है ह्यूमन रेस, जो वन हु स्टडीज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस उसको इथनोलॉजिस्ट बोलेंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है मानव विज्ञान,
मैनकाइंड, अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ मैनकाइंड दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ह्यूमन रेस के लिए इथ्नोलॉजिस्ट यूज होगा यहाँ पे, याद रखिएगा. पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है. बाकी प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, रहने के लिए दिया जाता है वो, उसको बैरक बोलते हैं. आप एग्री करेंगे, इसको पता भी होगा. पर ये थोड़ा सा, ये जीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th ही, लेकिन ये आया था उसमें पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट. जो एक प्रजाति ही पूछ रखी है लोगों की जो साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट के होते हैं उसको. अब इन चारों ऑप्शन में से कर लोगे आप आराम से, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 2 जो बॉयर है ना, BOER, ये आंसर है आपका. क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है उनका तो इंग्लिश में मीनिंग ही अलग होता है, आपको पता होगा. तो अब बताइए जरा तीन में से क्या रहा आपका. 6th का ए सही है बिल्कुल, 7th का बी, 7th का बी सही है. शाबाश बादल, गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू दोस्त. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों. चलिए ये दूसरा एग्जाम था. नवनीत के 3 में से 3 शाबाश. निकिता के 3 में से 3 बादल के सही हैं. एक एक गलत हो गया नितिन और यशवीर का. कोई बात नहीं, वो तो एंड में देखते हैं. सारे सही हैं नवनीत के, शाबाश. कोई बात नहीं नितिन, एक गलत होना तो बनता है. अगर कोई नई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो बिना पढ़े प्रैक्टिस करना, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है. और सबसे बड़ी बात यार, हम सीख रहे हैं, ये कोई एग्जाम नहीं हो रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्जाम की कोई अपडेट अब तक एफओस के एग्जाम की अपडेट नहीं है भाई, ठीक है. अपडेट है तो सिर्फ ये है कि सितंबर में आपका एग्जाम होगा, हो जाएगा. स्थिति काबू में आ रही है धीरे धीरे, ठीक है. लैक ऑफ स्किल, सबसे पहले एक व्यक्ति जिसमें स्किल ना हो, ठीक है. ये इनेप्ट, ये वर्ड मैंने लिखवाया भी है, ठीक है. क्लमजी का सिनोनिम लिखवाया था, इनेप्टनेस आएगा उसका आंसर. एक व्यक्ति जिसमें कोई मतलब स्पेशलिटी नहीं हो, किसी काम को ढंग से नहीं कर सकता हो, जिसमें स्किल की कमी हो, तो उसको बोलेंगे इनेप्टनेस, ठीक है. ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो एक ही बार आया है, एक बार जरा इसको बताना है. 8th का सी सही है आपका, 3rd ऑप्शन सी या 3rd ऑप्शन, एक ही बात है. क्वेश्चन नंबर 9, स्टिक विद अ थिक एंड यूज इन अ मोर्टार फॉर पाउंडिंग. देखो सबसे पहले कुछ वर्ड इसमें है, इनको देख लो एक बार आप लोग, नहीं तो जवाब ऐसे ही दोगे, ठीक है. इसमें एक ऐसी स्टिक, एक ऐसी लकड़ी, डंडा, जिसका जो एंड है, एक किनारा है, वो बहुत ही थिक है, मोटा है, और इसको यूज करते हैं मोर्टार. मोर्टार को हिंदी में पता लगेगा तो आपको अपन अपनी आम भाषा में ओखली बोलते हैं. ओखली समझते हो ना आप, वो वाली ओखली. तो उस ओखली में वो जो वो डंडा जो मोटा सा यूज किया जा सकता है पाउंडिंग, कूटने के लिए. तो उसको अब आप कहोगे सर हिंदी में तो हमें पता है मूसल बोलते हैं, इंग्लिश में उसका आंसर पेसल होता है. ऑप्शन नंबर 4, 9th का एक भी बार आया है एग्जाम. देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो वकैब कितनी इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिएगा, ठीक है. बाकी इसमें जो और ऑप्शन है, जैसे कि थिसल एक पौधे का नाम है, कांटेदार पौधा होता है, हाँ मूसल बोलते हैं हिंदी में. और स्ट्रिफल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को गले गला घोटना किसी का, ठीक है. स्केप्टर का मतलब होता है एक तरीके से पनिशमेंट जो राजा के द्वारा दी जाती है, इसके मीनिंग होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 या 0, एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन, एक ऐसी क्रिया जिसमें लोग किसी डिसीजन को लेने के लिए वोट करते हैं अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिल्कुल, और पॉलिसी, ठीक है, रादर देन वोटिंग फॉर ए पर्सन. इसमें एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी पॉलिसी को इशू करवाने के लिए जब बहुत सारे लोग वोटिंग करते हैं हाँ या ना में, तो इसको जनमत संग्रह बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको रेफरेंडम. ऑप्शन नंबर 4, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, 6 से 7 बार देखा है, ठीक है. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. बताइएगा जरा, कॉमन क्वेश्चन है, बता सकते हो आप. वन हु सेट्स टाइप्स टाइप फॉर बुक्स, बुक्स के लिए जो टाइपिंग मतलब सेट करता है चीजों को, उसको क्या बोलते हैं न्यूज पेपर वगैरह के लिए. अरे कंपोजिटर बोलते हैं यार. कमल दत्त, अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए,
कंपोजर बोलते हैं इसको, सॉरी कंपोजर नहीं, सॉरी सॉरी मैं थोड़ा सा मेरा माइंड इधर उधर है, इसका आंसर कंपोजिटर आएगा, कंपोजिटर ठीक है, फर्स्ट का जो बुक्स और न्यूज़पेपर के लिए सेट करता है टाइपिंग को, और लैंड कवर्ड बाय थ्री जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो ऐसी भूमि को बोलते हैं पेनिनसुला, ऑप्शन नंबर फोर, तो दोनों का आंसर फोर और फोर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ या नहीं हमारे पास, नहीं है नहीं, चलिए आज के लिए बहुत है। कमल दत्त दोस्त आप पढ़ भी रहे थे या कैसे, क्या सीन है? चलिए तो ये आज का वैकैब सेक्शन था दोस्तों हमारा, आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नया कोई बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमल सर बेटा कोचिंग रेवाड़ी में है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हमारा, हरियाणा रेवाड़ी में, ठीक है। चलिए अच्छी रही क्लास, चलिए बेटा कुछ स्पेशल चाहते हो आप आगे, जैसे कि प्रैक्टिस वन वर्ड्स की ही चलती रहने दे या सिनोनिम्स की चाहिए? याद रखिए, अच्छा एक बार, आज मंडे ट्यूसडे थर्सडे है, आज वेंसडे है, आज थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे को जैसे मंडे को टेस्ट था शायद आपका सिनोनिम्स का, जो मैंने बोर्ड पे ही करवाए हैं, यानी कि वो लाइव क्लासेस में ही अब तक सिनोनिम करवाए हैं, उनमें से ही टेस्ट है। नवनीत कौशलिया, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल केडी, चलिए दोस्तों तो वो जो अब तक सिनोनिम हमने यहाँ पे किए हैं उनका टेस्ट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी, आपका कब होगा? फ्राइडे को होगा, सेम अब की बार क्वेश्चन 25 होंगे आपके सिनोनिम्स के, और उनमें से होंगे। टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट ऐसे होगा जैसे अभी ये इनका हो रहा था, ठीक है, और एंड में पूछ लेंगे। कमल दत्त मुझे ज्वाइन करनी है, बिल्कुल बेटा एक बार पहले लॉकडाउन का कुछ हिसाब किताब हो जाए फिर बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, जल्दी से जल्दी आप सबकी नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि मुझे नए बच्चे देखने को मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, खुश रहिए।